नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, जहां हरियाणा कांग्रेस में घमासान, प्रदेश प्रभारी विवेक बंशल को दिखाने वाले हैं बाहर का रास्ता। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी अजय माकन की हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के दो विधायकों ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंशल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि 1 अगस्त को पंचकुला में होने वाली चिंतन शिविर में प्रदेश प्रभारी विवेक बंशल नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। हुड्डा ने पार्टी के नेताओं और विधायकों का विवेक बंशल के खिलाफ पनप रहा जो रोष है उसको हाईकमान तक पहुंचाया है। इतना ही नहीं, पंचकुला चिंतन शिविर के लिए प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने जो परिपत्र जारी किया है उसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल को सूचना दी गई, मगर विवेक बंशल को इस सूचना से वंचित रखा गया है। विवेक बंशल ने यह तो कहा है कि राज्यसभा चुनाव संबंधी रिपोर्ट उन्होंने हाईकमान को दे दी है, हाईकमान इस पर जो निर्णय है वो आना बाकी है। स्कूला के चिंतन शिविर में पहुंचने के सवाल पर बंशल ने कहा कि उनका जाना अभी तय नहीं है, वे इस मुद्दे को भी हाईकमान के समक्ष रखेंगे, मगर चिंतन शिविर में हो रहा यह प्रसन्नता का विषय है। राज्यसभा चुनाव के बाद से ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह से यह दबाव बनाया जा रहा है कि उस विधायक का नाम सरजसान लगाकर वोट डाला। इस एक वोट के रद्द होने से अजय माकन चुनाव हार गए थे। इसके अलावा कांग्रेस के विधायकों का दर्द यह भी है कि गलत वोट डालने वाले विधायक का नाम विपक्ष उनके कई साथियों पर निशाना साध रहा है। रोहतक के पूर्व विधायक मनीष ग्रोवर ने गलत वोट डालने वाले का नाम बीबी बत्रा बताया था। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।